मैं आपको बताऊंगा कि अमेजन पे बैलेंस में जो भी आपका रिवार्ड मिला है, जो भी कैशबैक मिला है, वो गिफ्ट कार्ड है या आपका रियल मनी है। तो रियल मनी और गिफ्ट कार्ड में बहुत अंतर होता है दोस्तों। गिफ्ट कार्ड आपको पता ही होगा, एक साल के बाद आपका एक्सपायर हो जाएगा, कट जाएगा। तो आज मैं इसी के बारे में सब कुछ बताऊँगा, क्या क्या होता है गिफ्ट कार्ड और क्या होता है कैशबैक का रियल मनी। तो इसके लिए मैं अपना अमेजन एप्लीकेशन को ओपन कर चुका हूं, जो यहां अमेजन पे बैलेंस लिखा है, जिसमें मुझे 18 रुपया जो रिवार्ड के तौर पे मिला है। तो इसी में आज मैं आपको बताऊंगा इसमें कैशबैक क्या होता है और इसका रिवार्ड यानी गिफ्ट कार्ड क्या होता है। तो दो अंतर होता है। तो मनी जो होता है रियल, वो आपको बैंक में ट्रांसफ़र हो जाएगा, लेकिन अगर गिफ्ट कार्ड को आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको फुल केवाईसी करना होता है। तो चलिए मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ कैसे आप चेक कर सकते हैं कि आपका गिफ्ट कार्ड है या रियल मनी है। तो कैशबैक में जो भी आपको मिलता है वो कमेंट कीजिएगा कि आपका कैशबैक है या गिफ्ट कार्ड है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा, और वीडियो से कुछ भी समझ आए तो प्लीज़ लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो इस तरह से अमेजन पे एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। उसके बाद अमेजन पे ऐप को ओपन करना है, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। शुरू से बता देता हूँ किसी को दिक्कत ना हो। और यहाँ से आपको अमेजन पे पे यहाँ क्लिक कर देना है। इस तरह से क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा अमेजन पे बैलेंस का। तो इस पर आपको क्लिक करना है, जो कि आपका अमेजन पे में जो भी गिफ्ट कार्ड या जो भी कैशबैक मिलता है वो सब यहाँ पे शो हो जाता है। ऊपर में क्लिक करना है, अमेजन पे में जितना भी बैलेंस है ऊपर में जो ग्रीन अक्षर में है उस पर क्लिक कर देना है। उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए अमेजन पे में टोटल बैलेंस है 18 रुपया, और मनी 0 रुपया है, और गिफ्ट एंड क्रेडिट 18 रुपया है। तो ये जो मुझे मिला है ये सिर्फ गिफ्ट कार्ड ही मिला है, जो कि एक साल के बाद एक्सपायर हो जाएगा। तो इसे आप जल्दी से यूज कर सकते हैं। तो यूज कैसे करना है, जैसे कि आप मेरा वीडियो देख चुके हैं कि अगर आपके पास फुल केवाईसी हो चुका है तो आप इसे बैंक में भी ले सकते हैं और मोबाइल रिचार्ज भी कर सकते हैं। अगर फुल केवाईसी नहीं किए हैं तो आपको ये बैलेंस को आपको दूसरे तरीका से यूज करना है, जो कि मैं अगला वीडियो लाऊंगा तो उसमें आपको बता दूंगा इसे कैसे यूज करना है। तो इसे शॉपिंग में यूज कर सकते हैं, एक तो ये तरीका है, और दो तरीका मैं अगले वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। तो यहाँ से अगर मनी रहता है, जो भी आप एड मनी करते हैं उसे आप आसानी से बैंक में विड्रॉल ले सकते हैं केवाईसी करने के बाद। तो ये सब अंतर है केवाईसी और गिफ्ट कार्ड में। अगर आपको पहले इस ये सब के बारे में नहीं पता था तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर पता था तो कमेंट कीजिएगा कि मुझे पता था। और कभी कभी दोस्तों आप जब पे करते होंगे तो इस तरह से अवेलेबल बैलेंस 0 बता रहा होगा, जो कि मुझे अभी बताया है ना 18 रुपया है मेरे गिफ्ट कार्ड में। तो ये अवेलेबल बैलेंस 0 इसलिए बताता है क्योंकि इसे मैं फुल केवाईसी कर दूंगा, तभी मेरा जो है गिफ्ट कार्ड भी किसी भी तरह से ट्रांसफ़र होगा। तो गिफ्ट कार्ड आपको फुल केवाईसी करने के बाद ही कहीं पे भी यूज होगा, और चाहे तो आप शॉपिंग कर सकते हैं गिफ्ट कार्ड से, अभी भी शॉपिंग हो जाएगा। तो आपको अमेजन पे में अगर ओरिजिनल बैलेंस है जो रियल मनी होता है उसे आसानी से आप बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आपको केवाईसी करना है, गिफ्ट कार्ड है तो आपको केवाईसी करना ज़रूरी है। और यहाँ देखिए गिफ्ट कार्ड अवेलेबल 0 भी बता रहा है, क्योंकि मुझे केवाईसी भी नहीं किया हूँ और गिफ्ट कार्ड अभी बैंक में विड्रॉल भी नहीं हो रहा है। तो अगला वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा 100% गारंटी के साथ बिना केवाईसी किए आप बैंक में कैसे विड्रॉल ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए, मैं अगला वीडियो उसी पर लाऊँगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।